इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ पंजाब का हम इजलास। इजलास में पीटीआई पंजाब की पार्लियामानी पार्टी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को असम्बली में पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। 21 बिल पास करवाकर ऑपोजिशन को एक बार फिर असम्बली में शिकस्त दी। इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी को भी सराहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी को सराहा है। इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ पंजाब का अहम इजलास और कारकर्दगी को भी सराहा है। आपको बता रहे हैं इजलास में पीटीआई पंजाब की पार्लियामानी पार्टी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक हुए। 21 बिल पास करवाकर ऑपोजिशन को एक बार फिर असम्बली में शिकस्त दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी को भी सराहा है। इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ पंजाब का अहम इजलास, इसी पर बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, इजलास के हवाले से आगाह करें। बिल्कुल, इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत ये जो मरकजी लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स का मुश्तरक इजलास हुआ, जिसमें शामिल कुरैशी, असद उमर, एजाज चौधरी, फवाद चौधरी, इसी तरह उस्मान पुस्तार और दीगर जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर और सूबाई बुजरा इजलास में शरीक हुए। डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी से अपने रबतों के हवाले से रिपोर्ट पेश की और हर कोऑर्डिनेटर ने अपने अपने डिवीजन से रबतों बारे ब्रीफिंग दी। जिनमें तहरीक इंसाफ को असेंबली की पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से भी ब्रीफ किया गया और बताया गया कि गुज़श्ता रोज हुकूमती बेंचेस ने 21 बिल पंजाब असेंबली से पास करवाकर अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी को सराहा। इमरान खान का कहना था कि अपने अरकान की तादाद मुकम्मल रखी जाए, अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और साजिशों से हम कतई तौर पर नहीं घबराएंगे। 21 बिल पास करवाकर ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त दी है। लियाकत अंसारी, शुक्रिया आपने अपडेट किया।